वर्मा रोटेशनल मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल 20। यहाँ पे एक फिगर दी है और बोला है कि कैलकुलेट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी अबाउट ओ। तो ये बॉडी दी है और ए पॉइंट जो है ओ, इसके अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। तो यहाँ पे अलग अलग टॉर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये फोर्स अलग अलग दिए है यहाँ पे और यहाँ से कुछ अलग अलग डिस्टेंस पे वो फोर्स एक्ट हो रहा है। मतलब टोटल टॉर्क जो होगा वो सभी टॉर्क जो अलग अलग टॉर्क एक्ट हो रहे हैं उसकी एडिशन होगी, वही तो नेट टॉर्क होगा। जैसे नेट कोई बॉडी पर अलग अलग फोर्स एक्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं उसके सभी फोर्सेस के कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं। तो इन नेट टॉर्क भी क्या होगा, ए 1 2 3 4 टॉर्क की एडिशन। मतलब टॉर्क ड्यू टू ए 50 न्यूटन प्लस टॉर्क ड्यू टू 5 न्यूटन प्लस टाउ, ए टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन और टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन, टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन। इस तरह से चार टॉर्क जो मिल जाएंगे हम उसकी एडिशन करेंगे। अब जैसे कि एक बॉडी होती है और यहाँ पे अगर 5 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है और 6 न्यूटन फोर्स, तो एडिशन करेंगे लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, मतलब उसकी डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी एक बॉडी को अगर कोई यहाँ से फोर्स लगा रहा है और यहाँ पे लगा रहा है या यहाँ पे लगा रहा है तो डायरेक्शन ले कंसिडर करनी भी जरूरी होगी, तो डायरेक्शन भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये बॉडी को अगर कोई इस डायरेक्शन में, ये बॉडी को अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मतलब ये बॉडी क्या होगी, इस डायरेक्शन में टर्न होगी। इस डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज, ये होगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या करते हैं, एक कन्वेंशन लेते हैं कि उसे नेगेटिव ले लेंगे और जैसे कि बॉडी को अगर इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगा है तो इस डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन पहले फिक्स करना पड़ेगा। तो अब ये एक एक टॉर्क फाइंड कर देते हैं। तो एक एक टॉर्क मतलब पहले कौन सा, टॉर्क ड्यू टू 50 न्यूटन फोर्स, मतलब इसके कारण का टॉर्क फाइंड करते हैं। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं हम, 15 फोर्स 15 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इस तरह से भी लेते हैं कि फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है तो परपेंडिकुलर फोर्स भी ले सकते हैं। तो ये पॉइंट ओ, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये फोर्स जो होगा, इस फोर्स की ये होगी लाइन ऑफ एक्शन, ये होगी लाइन ऑफ एक्शन। अब इस लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फाइंड करना पड़ेगा हमें, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये कितना है, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये एंगल दिया है हमें 37। तो ये 37 की अपोजिट साइड कितनी आएगी, ये हाइपोटेनस जो होगा इसका साइन थीटा, अपोजिट साइड मतलब साइन थीटा। तो ये कितनी आएगी, तो ये जो साइड होगी तो इसकी लेंथ दी होगी, तो ये दी है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 sin 37। तो ये फोर्स और डिस्टेंस कितना आएगा, ये 6 sin 37। तो ये टॉर्क 15 आ जाएगा, ये 15 इंटू 6 sin 37 होता है 3/5, 3/5, तो 5 3 जा, तो कितना आ गया 9 6 जा, कितना आ जाएगा टॉर्क 15, तो 54 न्यूटन मीटर। तो ये मिल गया, मतलब ये 54 मिल गया प्लस अब टॉर्क ड्यू टू द 5 न्यूटन फोर्स, इसके कारण टॉर्क फाइंड करते हैं। अभी टॉर्क फाइंड करेंगे ड्यू टू 5 न्यूटन फोर्स। तो 5 न्यूटन फोर्स मतलब ये, अभी 5 न्यूटन फोर्स की ये होगी लाइन ऑफ एक्शन, ये होगी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे इस तरह से लाइन ऑफ एक्शन। अब इस लाइन से जिस पॉइंट पर वो रोटेट होने वाला है, इस पॉइंट पर रोटेट होने वाला है, मतलब ओ कितना दूर है, तो ये ओ पॉइंट क्या हो रहा है, इस लाइन ऑफ एक्शन पर ही आ रहा है। मतलब डिस्टेंस कितना है उसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से ये वो यही पे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। मतलब ये टॉर्क 5 क्या आएगा, ये जो भी फोर्स होगा और ये 0, मतलब ये टॉर्क 5 आएगा 0। तो ये यहाँ पे ऐड करेंगे 0। अब इस तरह से टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन फोर्स, मतलब ये 10 न्यूटन फोर्स ये, तो ये 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये होगी उसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये होगी लाइन ऑफ एक्शन और ये होगा ओ। तो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है 4, तो ये फोर्स आ गया 10 न्यूटन और ये परपेंडिकुलर 4, तो इंटू 10 रेज़ टू माइनस
तो ये न्यूटन मीटर में आ जाएगा। तो ये टी ड्यू टू टेन कितना आ जाएगा, टॉप ड्यू टू टेन न्यूटन आ जाएगा। ये 40 है और ये 10^-2, तो इतना न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने नहीं कंसिडर किया था, तो ये भी न्यूटन मीटर में लिख देते। और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा था इसके कारण ये बॉडी कैसी होगी, ये फोर्स मतलब ये बॉडी जो भी है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स लग रहा था तो इस बॉडी को इस डायरेक्शन में टर्न हो गया। ऐसी टर्न होगी, ऐसी टर्न होगी मतलब ये हुआ एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज मतलब ये पॉजिटिव, इसलिए साइन है। वैसे यहाँ पे 10 न्यूटन मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये जो बॉडी होगी इसे इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो ये बॉडी ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे मतलब ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा है कि माइनस साइन दे देंगे, तो ये आएगा -40 न्यूटन मीटर। तो उसी तरह से अभी टॉर्क फाइंड करना है हमें 20 न्यूटन के कारण। अभी टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन, तो ये जो टॉर्क होगा 20 न्यूटन फोर्स होगा, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स का इस 20 न्यूटन का ये जो कंपाउंड होगा वो उस पॉइंट से पास हो रहा है जहां पे रोटेट होना है, उसी पॉइंट से जा रहा है। तो इस पॉइंट का इस फोर्स की लाइन एक्शन होगी उससे, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये इस फोर्स के कारण तो 0 टॉर्क होगा। अब इस फोर्स के कारण ये क्या करेगी, इस बॉडी को इस डिरेक्शन में मतलब इस डिरेक्शन में, तो ये कौन सी होती है, एंटी क्लॉक वाइज, तो इसका पॉजिटिव ले लेंगे। लेकिन कितना टॉर्क आएगा, तो ये फोर्स तो 20 न्यूटन लेने वाले हैं, और डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 4 ही आने वाला है। तो ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का फोर्स मतलब ये 20 है, तो इस डायरेक्शन का फोर्स कितना आएगा, ये कंपोनेंट कितना आएगा, तो ये दिया है हमें 150। तो ये परपेंडिकुलर हुआ 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आएगा, 60, ये आएगा 60। तो 20 के एडजेसेंट साइड मतलब ये आएगा 20 cos 60, तो फोर्स कितना आएगा, 20 cos 60, 20 cos 60। और ये आर, आर मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4। तो ये टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन कितना आएगा, ये 20 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और ये 4 तो ये 10। तो ये टॉर्क 20 की आएगी 40, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए प्लस, ये आएगा प्लस। तो इस तरह से इक्वेशन है, नेट टॉर्क हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये +40 -40 तो चले गए, तो यहाँ पे सिर्फ 0.54 न्यूटन टॉर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये मीटर, इतना टॉर्क यहाँ पे इस बॉडी पर एट ओ, अबाउट ओ आ जाएगा।